है भाई। माता की जय, माता की जय। ठीक से पकड़ो, नीचे करो सर, नीचे। राम राम भाई, सारे भाइया ने देखो कोई तोड़ हाना हो रहा, वो गैप पन्हा दिया था उस पाछे भाई, ये बालक तंग हो रहे हैं, तईब सलाह ही बनाई है ये तन को त्याडे डटे रहो कि दे गुरुद्वारे गुरुद्वारे रोटी टुका खा लो, पर भाई ना मान्य बालक संसद के सलाह बनाई है हा? के कहे संसद पोटा आ गया, पोटा के कह रहे हैं आगेगा गुरुद्वारा बनाना है, गुरुद्वारा आज रात कल का के संग है, सांझ कह बतावा 7 बजे सोशल मीडिया जो ग्रुप्स है ना इनके उड़े ये चल पड़े भाई संसद कहने अच्छा अच्छा फूटे चीते आर्मी वाले खूंखा शेर। ठीक है भाई, तड़का है गया हमारे देव, टेम हो गया भाई 2:40, 2:40 पे डंडा पाट लिया है, 7 बजे बेरा लगेगा के बनेगा कल का प्रोग्राम। पुलिस प्रशासन ने खूब सहयोग कराया भाई, खूब मदद करी। ठीक है, यो माहौल है भाई, आड़े तो लाइव जंतर मंत्र तो भाई पोटा दिखाने लग रहा, आर्मी तो रिलेटेड सारी अपडेट देगा भाई पोटा। ठीक, गला बैठ लिया मार मार रुके नुन्ने ये अपने फौजी भाई। ठीक है, यो माहौल है भाई, आड़े ये फोटू पाटू खिचाल लाग रहे हैं भाई बालक गणा है भाई। जो समस्या है ना, जो दिक्कत बन रही, इस पर गौर करया करो, ये फोटू पाटू पाछा होते जाते रहेंगे मेरे यार। ठीक है भाई, यो भाई एयरफोर्स आर्मी नेवी ऑनलाइन एग्जाम जो एयरमैन वेयरमैन के संग थे सारे मुद्दे पे भाई, सारे मुद्दों को लेकर ये इकट्ठे हुए थे अपने भाई आज। ठीक भाई, यो भाई संसद पर जान की कह रहा है, आज चलेंगे बैठो इधर बताएंगे हम कुछ करके जाओ यार, ऐसे कब तक ऊर्जा बर्बाद करोगे, कोई गलत काम करने थोड़ी आए हो यार। हर रोज शहीदी हो रही है, भर्ती फिर भी नहीं होगी, हर रोज सारा लाशें आ रही निपट के, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे चले जाओगे सब आज, ये देश ऐसे रोएगा फिर आगे तक, जब तक भगत सिंह नहीं बनोगे ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, लिख लो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, साला कुछ नहीं होगा ऐसे हजारों बार भाई, का संसद चलो सही बात। गुरुद्वारे में है, तुमको नहीं खाना पता था तो भाई, तुमको खाना नहीं मिले तो बताना मेरे को, नहीं गुरुद्वारे खाना खाने है, मांग मांगना है, मैं तो ये बोल रहा हूँ खाना खाने, मैं तो बोल रहा हूँ खाना खाने, मैं तो बोल रहा हूँ खाना खाने, आपने बात नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तो खाना खाने की व्यवस्था है तुम्हारे, खाने ने लेकर बैठ के मेरे बेटे खाना खूना था हो जाएगा, यो असली डाइट आर्मी वाली फाइट है मेरे यार, इन्हें देखो बंदे मातरम के नारे लग लाग रहे हैं भाई, हटिए दोस्त हटिए, हटलो हटलो लो भाई, सर ने खूब सपोर्ट करया भाई, तड़के आ जाइए रे, जब का जोश बदल लाग रहे मलंगा में सर, इंदौर फिजिकल अकेडमी का जितेंद्र नाम है कबीरा ना के है भाई, नीचे करो सर नीचे। अरे भाई भाई, अरे सारे 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 सारे, कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई यो माहौल बने हैं, देखो भाई सांझ ने के बतावेंगे, सांझ क्या 7 बजे वो मैं भी बता दूंगा, खरी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दूंगा, पोटा व्लॉग इंस्टाग्राम पर देख सको स्टोरी भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक पाओगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में भाई, उड़ा स्टोरी भी लगा दूंगा जो भी इनका प्रोग्राम बनाएगा, बाकी तुम चैनल तक जुड़ सको, हो रहा था अभी जो ये आ रहे हैं इतने। ठीक है भाई, सबका मांग यही है कि उसका उम्र में 2 साल का, 2 साल की छूट है, ये बच्चा अपने दिल से लिखा हुआ है, साथियों देख पा रहे हैं, देख लो अच्छे से, देख लो भाई, साथियों अभी हम प्रेसिडेंट है जंतर मंतर इंसान दिल्ली प्रेसिडेंट है, कैमरा घुमाओ सर का, सारे का एक बार अच्छे से वीडियो ले लीजिए, दिल्ली मिल्ली दिल्ली जंतर मंतर का पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है एज लेस देन 2 ईयर्स फॉर एयरफोर्स नेवी आर्मी, तो आर्मी तो मैं इस बंदे को दिल से सलूट करता हूँ और इसके लिए एक बार दिल से ताली बजाऊंगा, साथियों खून से लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है अपने खून से लिखा हुआ है,
खून तो लिखा हुआ लेटर पढ़ लियो भाई, पोज करके पढ़ लियो। उसके बाद लिखा हुआ है कि अप्रैल आर्मी नॉट मौज कर दी। चाहूंगा साथी देख लो आप अच्छे से, सभी की मांग है कि जो एग्जाम रुकी हुई एग्जाम हो जाए। यस यस सर। सेकंड बात, दो साल की छूट मिल जाए वो जो इंडियन आर्मी का नया वैकेंसी जो है रिटर्न बाकी है अभी। उसके बाद इंडियन आर्मी का 2 साल के लिए जो एज का रिलेशन सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ा मुद्दा है एयरफोर्स वाले जो आ गया जो बच्चा इतना है, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बता देते हैं। आ जाओ एयरफोर्स वाले क्या बोलना चाह रहे हैं सर। एयरफोर्स का एनरोलमेंट पेंडिंग है 10 महीनों से, अगर ये भर्ती जो है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है 10 महीनों से। हमारी भर्ती 2024 चुप हो जाओ जी। हम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश आए हैं ये सर, हमें हर बार बहाना दे रहे थे कोविड का बहाना, ये रेजिम आते हैं लाखों लोग आते हैं कुछ नहीं होता। अब हमारा क्या नाम है रेजिम होती है आर्मी की रेजिम 400-500 होंगी, उसमें कोरोना आ जाएगा रेजिम में कोई भर्ती उसमें नहीं आएगा कोरोना आएगा। हमारा अब हम सब वेट ही कर रहे हैं इतने दिन से, कुछ बच्चे लटके पड़े हैं बेचारों में, कुछ गाँव से आते हैं बेचारे घर जमीन गिर भी देखते हैं बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं। वो नहीं अभी का आपका मेन मुद्दा क्या है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या निकला? हमारा एक मिनट बता रहे हैं हमारा कुछ अर्थ नहीं लग रहा है। जॉइनिंग का मुद्दा है आर्मी का जो पेंडिंग है किसान एक साल वो करा दिया जाए बस तो भाई एक साल होने का साथ चुप हो जाओ बैठ मत कर। हम आपकी गुजारिश है हक मांग रहे हैं अपना, एक थोड़ी मांग रहे हैं आर्मी की। बस सारे यहां पे जितने भी लोग आए हुए हैं टीचर के माध्यम आप लोग जितने जुड़े हुए हैं सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था कि सोशल मीडिया के जरिए आप लोग यहां तक पहुंचे और वो सबसे ज्यादा काम किया है शायद जितने भी यूट्यूबर खून से लिखा। हम सबको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जितने यूट्यूबर थे उसमें साथ में जितने टीचर थे। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि सर अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए करते हैं, अरे आप तक जो तक सर जो यहाँ पहुँचने के बाद बच्चे का कमी है क्या? नहीं है ना, ये अपने प्रचार के लिए नहीं आए हैं आप जान लीजिए। तो मेन मुद्दा ये है कि प्रचार की जरूरत क्यों नहीं है, कोई नेता तो है नहीं कि डायरेक्ट पीएम या किसी मंत्री से बात कर ले, अपने शिक्षा के अधिकार से जितना हो सकेगा सरकार से लड़ेंगे। इसमें आपका मेन अहम होगा मुद्दा होगा कि आप मेरे साथ खड़े रहिए। हम तो सर खड़े हैं, हम आपके लिए बिहार से चल के आए हैं। सोचिए जिया हो बिहार के लाला, मौज कर दी टोपी वाले ने। तो बता रहे हैं वही भाव मात्र हम खड़े हैं, तो वही बता रहे हैं आप यहाँ खड़े रहिए। यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ मत जाना सर, पाँच नहीं जाएंगे। आपको सर पता नहीं है यहाँ 5 बजे के बाद सर, यहाँ 5 बजे तक है ना बाहर चल लो बाहर। वही तो बात बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए से सर बता देंगे कल कहाँ परमिशन, कल कहाँ परमिशन आवाज में इतनी दम और लठ में तो बहुत ज्यादा है। आप निकल के आप घूमे दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है कि हम घूम ना पाए, बाहर निकल सर। तो भाई साहब इसलिए यहाँ पर रुके थे कि कल का क्या करना है, इसलिए अपनी मीटिंग करी है। सोशल मीडिया अरे भैया ओए चलो सीधा, आप क्या वीडियो बना रहे हो? लो भाई देखा तुमने भाई लास्ट में क्यों के कुछ है सुनया होगा, ठीक है भाई यो देखा भाई सिस्टम है यो था भाई आज का रंगारंग माहौल भाई। देखो इनका काम हाथ चल जाए भर्ती वाले भैया का तो स्वाद आ जा भाई, इन्हें बड़ा दन मतलब सब दन हो गया भाई अड़े गाम में। देखो इनके बनेगा कल आया जागा काटे रहेंगे, कई बार कथों मारे बोले जाना नहीं है आड़े ही रहना है। तो देखते रहो भाई के कुछ हिसाब किताब चलेगा के कुछ बनेगा है इस वीडियो में भाई, फिर इतना ही था। बाकी आगे दिखावा भाई कुछ भी इनका शान तड़के का जो भी प्रोग्राम होगा बता दें दिखा दें, बने रहो सारे भाई। के लड़ाई ही होगी रे, के लड़ाई ही होगी। Let's go.